Assalamualaikum. Good morning, Pakistan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? आज बहुत मज़ेदार प्रोग्राम हमेशा की तरह मैं आपके सामने लेकर आई हूं. और प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आपको याद है वो दौर, या आपके ख़ानदान में भी कोई ज़रूर एक आंटी ऐसी होंगी, कोई एक वो कहते हैं ना खातून ऐसी होंगी जो हमेशा मुर्गी की टांग बेटे के पेट प्लेट में ही निकाल के देती हूँ. बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ बेटों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और बेटियाँ बच्चा कुचा खाना खा रही होती हैं. अभी तक, पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही है, अभी तक ऐसा होता है. और माँ बाप, आई डोंट नो, बेटा बेटा बेटा, बेटे का कॉन्सेप्ट कब तक चलता रहेगा ये कि चार बेटियाँ हो गई और वो चार बेटियाँ इसलिए हो गई क्योंकि बेटे की ख्वाहिश बंद थी, फिर उसके बाद पांच बेटियाँ हो गई. मतलब अक्सर मैंने देखा है सात बहनों का एक भाई, क्योंकि वो बेटे की चाह में वो होते गई, बेटियाँ होती गई होती गई होती गई, और जी तो आठवां नंबर बेटे का आया. तो सात बहनों का एक भाई, अक्सर खासतौर पर पुरानी फैमिलीज़ में, जैसे लाइक ख़ुद मेरे अम्मा अब्बा का, लाइक मेरी अम्मी के आठ बहनें और एक भाई. एक भाई का इंतकाल हो गया था शायद, तो मैं अम्मी अब्बू से यही कहती थी कि और हमारे तीन बच्चे हैं और हम वो परेशान हो जाते कि इनकी परवरिश कैसे करें. आप लोगों के दौर में, मतलब आपके अम्मी अब्बू के दौर में 12-12 बच्चे, 9-9 बच्चे, 11-11 बच्चे होते थे, तो वो काफ़ी हद तक देखा गया है कि वो बेटे की मकदार कम होती थी, बेटियों की मकदार ज़्यादा होती थी. और माँ बाप को एक बेटा चाहिए होता था. क्यों चाहिए होता था बेटा? बेटा इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तो और बेटियां तो विदा होके शादी होके घर चली जाएंगी अपनी, और बहनों की शादी करवाएगा तो वो एक बाजू बनेगा ना, ये सोच थी. लेकिन मैं अब उन सारे पेरेंट्स से जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बेटों को अहमियत देते हुए देखी है, मैं उनको ये कहूँगी, सच्ची बात है, ज़माना चेंज हो गया है. अब आप देखें बेटियाँ, मैंने कोई एक मैं कोई ख़बर पढ़ी थी कि एक ही घर की चारों बेटियों ने CSS किया हुआ है और वो बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं गवर्नमेंट के. तो आप ये देखिए कि बेटियाँ आजकल किसी से कम नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे ज़्यादा, उनको घर से निकलने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे. मगर जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा तो बेटियों के ऊपर भी माँ बाप ने उतनी ही तवज्जो दे, कुछ माँ बाप ने देना शुरू कर दी, और उन बेटियों ने प्रूव करके दिखाया माँ बाप को कि हम कितने कमिटेड हैं अपनी एजुकेशन से, हम कितने कमिटेड हैं अपनी फैमिली से, हम कितने प्रोफेशनल लाइफ में कितने कमिटेड हैं. और वैसे अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि एक इदारे में जितनी कमिटेड एक औरत होती है अपने काम से, मर्द उससे कुछ परसेंटेज कुछ कम होते हैं. उसकी रीज़न ये है कि औरत के अंदर एक सिंसियरिटी का एलिमेंट कुछ मर्द से ज़्यादा होता है. ज्यादा मतलब मैं जनरल बात कर रही हूँ, अगर आप रिसर्च करते हैं. अब आप यूनिवर्सिटी में देख लें, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ाई की तरफ मतवज्जो होती हैं, बहुत मेहनत कर रही होती हैं. लड़कों ने जी लड़कियों से नोट्स मांग लिए और अपना ये काम एग्ज़ाम दे दिया. तो कहने का मकसद ये है कि आजकल लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं, और इस कॉन्सेप्ट को चेंज हो जाना चाहिए. जो वो बड़ा बच्चियों के लिए बड़ा डिप्रेसिंग होता है कि घर में मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग में मिसाल दे रही हूँ, लाइक जब चिकन बनी है, बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खा पाते, उनके घर में चिकन कभी कभार बनती है, और वो जो मुर्गी की टांग है वो लाजमी सबको पसंद होती है, वो जब बेटे की प्लेट में चली जाती है और बेटियों को शोरबा मिलता है या आलू मिल जाता है साथ, तो वो एक बेटियों के लिए एक वहीं से कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है. उनको वही पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारी तो अपने घर में ही अहमियत नहीं, तो आगे जाकर हम जिस दूसरे घर जाएंगे वहाँ क्या अहमियत होगी. ये है जनाब, ये औरत की अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट चेंज करता जाता है. तो माँ बाप को ही चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इतना इतना रिस्पेक्ट दें और उनको ये बताएं कि तुम किसी से कम नहीं. ये परवरिश का, ये तरबियत का एक अहम हिस्सा बन चुका है कि तुम किसी से कम नहीं. तो बाहर मैं कोई मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बेटियों को वो सपोर्ट देना चाहती हूँ जो हर माँ बाप को देनी चाहिए. आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए ना, अगर आप देखें ऑब्ज़र्व करें कि
मर्द और औरत हर फील्ड में आपको शाना बशाना नज़र आ रहे हैं, बैंक हो, मेडिकल की फील्ड हो, रिसर्च की फील्ड हो, मीडिया की फील्ड हो, तो और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको मर्द और औरत साथ साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब कंपटीशन सिर्फ एक ही जीन्स में नहीं है बल्कि मर्द और औरत दोनों जीन्स में कंपटीशन है। मैं हमेशा से मेरे प्रोग्राम का ये ट्रेंड रहा है कि मैं न्यू कमर्स को यहाँ वेलकम करती हूँ, वो ड्रामों में काम कर रहे होते हैं उनको इंटरव्यू करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स इन सोफ़ों पे आके बैठे हैं। हम तीन तीन के इंटरव्यूज़ करते थे एक साथ, बहुत सारे अब सुपरस्टार्स बन चुके हैं जो इस सोफ़े पे आके इंटरव्यू देके गए हैं, उन्होंने अपनी बताई स्ट्रगल कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मैं भी आज कुछ ऐसे न्यू कमर्स को ही दावत दूँगी अपने शो पे, जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और वो होता है ना एक कोई क्लिक, एक कोई किक मिलती है और इंसान बहुत ऊपर पहुंच जाता है। ये नसीब का भी खेल होता है और ये आपकी पसंदीदगी का खेल भी होता है। एक छोटे से वक्फे के बाद मेरे साथ यहाँ कुछ इंडस्ट्री के न्यू कमर्स होंगे जो अपने हाथ पैर मार के अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन्हें सराहते हैं अपने शो के जरिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, एक बहुत अच्छा सा शो देखिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको यहाँ हमारे शो पे कुछ ऐसे चेहरे देखने का मौका मिलेगा, उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखते हैं, और अभी आप देखेंगे ओहो ये तो वो है, ओहो ये तो वो है, उस ड्रामे में भी आती। तो अभी मैं जिस न्यू कमर लड़की को बुला रही हूँ उनको आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, जिनमें शामिल है मेहरपोश, मलाले यार, सांवरी, ईमान, पिया नाम का दिया, और उन्होंने किस किस चीज़ों में काम किया है वो मैं उनको बुला के उनसे खुद पूछूंगी। तो क्या आप उनके कैरेक्टर्स के अलावा उनका असली नाम जानते हैं? अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते तो ज़रूर उनको देखिए, क्योंकि आज वो हमारे शो पर एज गेस्ट मौजूद हैं। वेलकम करते हैं ज़ैनब शबीर। करोना है इसीलिए हम थोड़ा सा एहतियात करें, मैडम आपको बहुत जोर तो है फिर भी। हाँ, कैसी हो ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हो, मजे में हो? बिल्कुल। कितना अरसा हो गया काम करते हुए, कितने अरसे से फील्ड में हो? मुझे 2.5 ढाई साल से कर, ढाई साल। हाँ। तो तुमसे मैंने आज सारी बातें पूछनी है ज़ैनब, कैसे आई इस फील्ड में, कैसे ड्रामों में एंट्री मारी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं ड्रामों में काम करना, उनको समझ नहीं आता किस तरह जाएं, किस तरह मिलें, क्या तरीके कार होते हैं। आओ बैठो प्लीज, क्योंकि मेरी कहानी तो अलग है ना, मेरे तो अम्मा अब्बा थे तो मुझे तो लाइक वो वाली चीज़ नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि ये जो दूसरी लड़कियाँ हैं अगर वो इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उनको थोड़ा पता चले कि ज़ैनब मुझसे लोग पूछते हैं जब, क्योंकि देखते हैं ना कि मैं छोटी हूँ इस एज की हूँ, तो सबको पता है कि अभी अभी आई है फ्रेश फ्रेश, तो मुझसे बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं लड़कियाँ कर रही होती हैं कैसे आएँ कहाँ जाएँ, तो मैं बताती हूँ जो मेरी जर्नी थी मैं वही बताती हूँ, बिकॉज मेरे तो पूरे फैमिली में कोई भी मीडिया से नहीं था, कोई भी नहीं था। तुम्हें शौक था या क्या? बहुत ज़्यादा शौक, हमेशा से। और तुम्हें लगता था कि एक्टिंग का ये जो टैलेंट है ये तुम्हारे अंदर है? मुझे लगता था कि है, लेकिन मैं ना कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा। डर लगता था, मैंने कहा नहीं यार मैं किसी के सामने करूंगी तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन तुम्हें खुद से पता था तो तुम शीशे में करती थी कैसे? हाँ, मैं रूम लॉक करके ना जो सीन्स ड्रामास देखती थी उनके सीन्स ऐसे मोबाइल में रिकॉर्ड करती रहती थी इस तरीके से। अच्छा, तो अम्मी को पता था मेरे कि है इसको शौक ना, तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए ना, क्योंकि अम्मी को लगता है मैं बड़ी प्यारी उनकी बेटी हूँ सबसे अच्छी ना। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। देखो मैं अभी इंट्रो में यही कह रही थी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल बेटियों के अंदर डेवलप होता है ना वो सबसे पहले अपने घर से होता है, जब उनके माँ बाप उनको ये कहते हैं तुम बेस्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है अक्सर मैंने देखा है हमारे घर के ही जो बड़े होते हैं वो ही कह रहे थे डफर हो तुम, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो ऐसी हो, तुम या वैसे हो, चाहे मजाक में ही सही लेकिन वो बातें वो फिर आपके अंदर आ जाती है कि नहीं यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो वहीं से ज़ैनब के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जिम्मेदारी अम्मी की है। अम्मा ने बढ़ाया, पूरा अम्मी ने बढ़ाया। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं जाओ 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 जाओ। तो मैं फिर जो है ना रात भर ना सर्चिंग पे लगी रहती थी कि कौन से कोई ऑडिशंस हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है क्या करना है।
तो मैं ऑडिशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फिर मैंने एक ऑडिशन के बारे में सुना, एक बहुत ही अच्छे चैनल के लिए एक ऑडिशन हो रहा था. अच्छा. तो वहाँ पर मैं जो है वो अपने एक फ्रेंड के साथ मैं गई और मैंने एक ऐसी छोटा सा क्लिप जो है ना वो प्रिपेयर किया उनके लिए और वहाँ पर मैंने ऑडिशन दे दिया उनको. छोटा सा क्लिप या तुम वीडियो बना के लेके गई थी? नहीं, मैंने प्रिपेयर किया था पूरा ड्रामे की. अच्छा, एक्ट प्रिपेयर किया. ओके. उसके बाद मैंने वहाँ पर वो दिया जाकर तो उन्होंने कहा कि देर वर 500 पीपल उस ऑडिशन लिस्ट में. अच्छा. जिन्होंने दिया था तो उन सब में से उन लोगों ने मुझे जो है वो सेलेक्ट किया. हाँ. एंड देन वो सिलेक्शन हो गया. उन्होंने कहा अभी हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट ना. उसके बाद फिर मैं घर आई तो मैं वेट करती रही. अच्छा, देन एंड देयर तुम्हें पता चल गया सिलेक्शन हो गया या घर जाने के बाद? घर जाने के बाद कुछ रेस बाप पता चला था, एक लिस्ट आई थी. अच्छा. तो उसके अंदर मेरा नाम था. अच्छा. तो मैंने कहा कि हाँ हो गया. उसके बाद फिर कुछ डेज बाद मैंने कहा अब क्या होगा तो मुझे कॉल आई एक प्रोडक्शन से ना कि वी वांट टू कास्ट यू और हमारे डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने तो मोबाइल नीचे रखा है ना, हग माय मदर. मैं इतना चीखी उछल के, मतलब पूरे घर में मैं पागल हो गई थी उस टाइम. हाँ. पे मैं अभी भी सोचती हूँ ना, मुझे गूज़बम्स होते हैं कि ओ माय गॉड. उसके बाद फिर मैं वहाँ गई, मैंने उनको स्क्रिप्ट वगैरह जो पढ़ पढ़ के सुनाया ये वो. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. अच्छा, तो बस वो शुरू. पहले ड्रामे का तुम्हारे नाम क्या था? इट वॉज माँ सत्के. माँ सत्के. हाँ. तो तुम्हें उसमें लाइक तुम्हारा रोने वाला कैरेक्टर था? नहीं, उसमें नेगेटिव था. नेगेटिव था. हाँ, वो थोड़ा मुश्किल भी था. अग्रेसिव थी बहुत लड़की. हाँ. वो मतलब चीज़ें फेंक देना इस तरह वाली. मुझे हाँ. तो बहुत, मुझे तो पहली बात तो ये आपको कैमरा फेस करना नहीं आता. हाँ. अब हम लाइंस बोल रहे हो, यहाँ कैमरा पीछे कैमरा लाइन, यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं. तो लेकिन मेरी पूरी जर्नी में ना ये अच्छी बात रही है अभी तक. हाँ. कि मुझे ना लोग बहुत अच्छे मिले, डायरेक्टर्स एक्टर्स बहुत सपोर्ट करने वाले, सिखाने वाले. हाँ. ऐसे करो अभी. हाँ. तक. हाँ. जो भी मुझमें अभी फ्लॉज हैं वो सब बहुत अच्छे एक्टर्स उनको सिखा देते हैं. हाँ. और काफ़ी अच्छी हमारी इंडस्ट्री में ये बात है कि मैं नोट किए कि सपोर्ट बहुत करते हैं लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए. तो फिर सीखा. देन जो सेकेंड प्रोजेक्ट था वो मुझे ऑफर हुआ एज लीड. अच्छा. वो तो फिर मैं तो जब मुझे ऑफर हुआ मैंने कहा मैं नहीं कर सकती. लीड नहीं मैं कर सकती. मैंने कहा मैं, मुझे तो आता ही नहीं है. हाँ. आप कैसे कर सकते? नहीं, तुम कर लोगी. तुम्हें अच्छा. पता है उनको था. तो बस फिर किया. होई होई, फिर? और फिर बस सीखती गई. फिर लोगों ने जब तारीफ़ें करना स्टार्ट की कि अच्छा करियो तो इंसान का और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. वरना जब मैंने फर्स्ट प्ले किया था उस पर, तो फिर जब मैंने अम्मी को दिखाया ना, जब फर्स्ट एपिसोड आया. हाँ. अम्मी ने कहा बहुत बकवास. अच्छा, अम्मी ने कहा अच्छी एक्टिंग नहीं, बुरी एक्टिंग की है. हाँ. बुरी लग रही हो, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी पहनते हैं, ये थोड़ी करते हैं. फिर जब सीखती गई, फिर जब फर्स्ट टाइम अम्मी ने तारीफ की ना, तो मैंने कहा आज मुझे कुछ तो आ गया. अच्छा, आहिस्ता ना आपको मेकअप का सेंस भी आ जाता है कि आप स्क्रीन पर ये मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा मुझ है, पे क्या अच्छा बाल लगा? कैसे मैं बनाऊं, कपड़े कैसे पहनूं, तो वो ये आहिस्ता आता है. तो पहले में बड़ी भंड मारे थे तुमने? पहले बहुत ज्यादा. ज्यादा मेकअप कर लिया था क्या? ज्यादा भी नहीं, अजीब सा मेकअप, अजीब से कपड़े, मतलब जो मेरे फेस पे सूट ही नहीं कर रहा था. तो फिर मैंने अंदाजा लगाया कैसे करना है, जो मैं रियल लाइफ में करती हूँ वैसे ही करना है, नेचुरल रखना है, ये रखना है, वो रखना है. तो आहिस्ता. जैसे अभी तुमने बड़ा नेचुरल सा मेकअप. हाँ, मैं ऐसी करती हूँ हमेशा, ऐसी करती हूँ. और तुम्हारे पे सूट कर रहा है और स्क्रीन पे भी अच्छा लगता है. स्क्रीन पे भी ऐसी अच्छा. आजकल वैसे भी ज्यादा मेकअप का ट्रेंड नहीं है ना. हाँ. नो मेकअप लुक चल रहा है. मेकअप लुक चल रहा है बिल्कुल इस तरह. तो तुम्हारा बचपन कैसा था? कितने बहन भाई हैं तुम्हें? हम चार बहन. चार बहन है? बहन है. अच्छा, तो वो वाली मैं भी बात करी थी कि बेटे की प्लेट में मुर्गी की टांग डाली जाती, तो यहाँ तो बेटा है ही नहीं, कोई सीन नहीं था ऐसा. हाँ. सिर्फ बहनें थी हम लोग. और मैं जो है वो बचपन में कोई टॉम बॉय होती थी. मतलब सबसे बड़ी हो छोटी हो? मैं बीच की बिल्ली. बीच वाली. बीच. अच्छा. मैं बिल्कुल टॉम बॉय होती थी. मतलब गलियों में बाहर क्रिकेट खेलना, बड़े बड़े लड़के क्रिकेट खेल रही होती थी, उनको बॉल उठा उठा के फेंक रही होती थी. मुझे बहुत शौक था ना स्पोर्ट्स का, इन सब चीज़ों का. स्कूल्स वगैरह में भी मैं बहुत रहती थी ना एक्टिविटीज़ में. और साइकिलिंग करना. हाँ. बहुत ज़्यादा ना, मतलब जीन्स टी शर्ट पहन के मैं ये करती रहती थी. बल्कि मोहल्ले की आंटी मेरी अम्मी को बोलती थी कि जो है ना अपनी बेटी को आप इतना भी बाहर ना हो, वो बड़ी हो रही है. बड़ी हो रही है वो. मैं तो किसी की मान नहीं, मैं तो यही करती रहती थी बस. हाँ. और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ना बस शोबिज में जाना है, मतलब. अच्छा. हाँ. हाँ, मेरे फैंस होंगे इस तरह से. मैंने पढ़ाई में कैसी थी? मैं A+ वाली नहीं थी, बट आई वॉज एन A-grader. अच्छा, मतलब लाइक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बुरी नहीं थी. बुरी नहीं थी. अबव एवरेज. हाँ, है ना.
अच्छी थी। अच्छा, और बहनों से बॉन्डिंग कैसी थी तुम्हारी? बहुत अच्छी। सबसे ज्यादा कौन सी वाली बहन की सुनती होगी? मुझसे जो बड़ी है। जो तुमसे बड़ी है? मुझसे बड़ी है, मुझसे दो बड़ी हैं और एक मुझसे छोटी है। अच्छा, सबसे बड़ी मैरिड है और उनसे छोटी जो है ना, तो वो मुझे बहुत हेल्प करती है कि ये पहन लो, ये पहन लो, शॉपिंग पे जाते हैं, अच्छा इस ड्रामे का ये वार्डरोब होना चाहिए, हम बैठ करना ही करते रहते हैं, देखो आज ये ड्रामा आया। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री में आई तो होते ना खानदान वाले, शुरू शुरू में तो वो कहते हैं क्यों भाई, क्यों भेज दिया बेटी को, ऐसे फलाना, ऐसी फील है, वैसी फील है, लेकिन बाद में जब आप मशहूर हो जाते हैं, आपको लोग रिकग्नाइज करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पहले तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ना कि क्या है, कैसे, क्यों, क्यों कर दिया, क्यों भेज दिया, ये करो वो करो, तो अम्मी ने कहा शौक था भेज दिया, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इतना अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं ये वो, फिर तो सब एक दफा मिल पा दो, सेल्फी लेनी है, ये लेना है अम्मी से ना। अच्छा, मैं कहती थी मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब अम्मी को प्राउड फील होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो अब खानदान की शादियाँ वगैरह होती है तो उसमें जाती हो तुम, जरा VIP ट्रीटमेंट मिलता है पहले के मुकाबले में? अच्छा खासा, अच्छा खासा। अभी तो खैर तुम छोटी सी हो, लेकिन क्या तुम्हारा इरादा है कि लड़कियों को शादी किस एज में करनी चाहिए, क्या लगता है तुम्हें, तुम किस एज में करोगी? After 25 जरा और जिससे शादी करनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ क्या सोचती हैं। अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान होना चाहिए, उसमें मतलब एहसास होना चाहिए हर किसी का, गरीब का, अमीर का, हर किसी का एक एहसास होना चाहिए। और अम्मी की पसंद का होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद? अम्मी की पसंद तो जरूरी है, पेरेंट्स की पसंद जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर तुम एक्ट्रेस ना बन पाती, अब तो तुम लकी हो, तुम माशाल्लाह बन गई, टैलेंटेड भी हो, अगर तुम ना बन पाती तो फिर तुम क्या बनती, कुछ सोचा था? बहुत, मैंने बहुत कुछ सोचा था। क्या क्या? सबसे पहले मैंने कहा मैं साइंटिस्ट बनूंगी, फिर मैंने कहा मैं साइकाइट्रिस्ट बनूंगी। ओहो, अच्छा। मुझे बहुत होता है ना ये बंदा, इसके क्या, इसके अंदर फ्लॉज है, इसके दिमाग में, मुझे बहुत देखने का शौक था। तो डॉक्टर मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बहुत ज्यादा था। उसके बाद जब देखा कि भाई बहुत मुश्किल काम है, बायोलॉजी बहुत मुश्किल है। पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की। और घर के कामों में कैसी हो? मैं करती नहीं हूँ, अब तो कोई करवाता भी, अब तो कोई करवाता भी नहीं है, हाय हाय, करवाता भी नहीं है, लेकिन कर लेती हूँ। अच्छा, आता सब, कुकिंग शुकिंग सब आता? आता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। अच्छा, भी तो मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करने का, अच्छी अच्छी डिशेस, पास्ता, इस तरह की डिशेस बनाने का। पैसे बचाने वाली लड़की हो या पैसे खर्च? बहुत बचाने वाली। कंजूस या किफायत शाह? किफायत शाह। मैं ऐसी हूँ कि मतलब कभी होगा ना कि लाइक मुझे लगेगा कि इस आज मुझे खर्च करने चाहिए, आज है मौका ना, तो मैं कहूँगी कि ये लो हर जगह पर। और वैसे नॉर्मल डेज में मैं कहूँगी कि नहीं इसमें से बचा लूँ, नहीं ये पसंद आ रहा है, रुक जाओ यार। मैं, मुझे बहुत है कि मैं सेविंग्स करूँ। अब क्या करोगी सबसे पहले सेविंग से, क्या खरीदोगी, सोचा है? घर। घर, ये सारी लड़कियों को घर का शौक इतना क्यों होता है? पता नहीं, अपना घर जो अपने हिसाब से डेकोरेट हो, बिल्कुल नए सिरे से एक चीज हो, मुझे बहुत शौक है इसका। सारी मैं जिससे भी इंटरव्यू करती हूँ ना, ज्यादातर लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है घर, 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 चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखती हो, फिल्म हो, कोई बड़ा घर नहीं, छोटा मोटा सब, लेकिन अपने हिसाब से, अपना हिसाब से, हाँ बस अपना। हाँ, ओए होए होए। अच्छा, अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या करना है आपने, फिल्मों में भी काम करोगी या ड्रामों की हद तक? अभी तो ड्रामों की हद तक, कुछ साल तक, लेकिन आगे है उसका शौक तो है। शौक है, डांस वगैरह आता है? वैसे नहीं आता, लेकिन वो छुपा वाला आता है, उस तरीके से नहीं आता, लेकिन छुप छुप के डांस भी किया, सब कुछ किया है वो। अच्छा, तो मतलब अगर फिल्म्स की ऑफर होगी बाद में और करना पड़ा तो तुम डांस वांस सीख लोगी? ऐसा ही नहीं है बिल्कुल, रोबोट की तरह की बॉडी होती ना कुछ लोगों की, हिलते ही नहीं है बिल्कुल, तो अगर कुछ सिखाए तो मैं कर लूंगी। कर, और तुम्हारा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि आज के दौर की तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो कौन है आज के दौर, आज के दौर की और पुराने दौर की भी बताओ। सबा कमल। कौन? सबा कमल।
सबक हमारा आज के दौर की और पुराने दौर की अगर तुम बात करो जो तुम्हें इंस्पायर करती थी पाकिस्तानी कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनको देख के तुम सानिया सईद समीना पीरजादा हाँ सानिया सईद मैं बहुत बड़ी फैन थी अच्छा। और मुझे फिर अभी रिसेंटली काम करने का मौका मिल गया हाँ कौन से वाले ड्रामे में मेहरपोश अच्छा मेहरपोश में हाँ उनकी बेटी बनी थी ना बेटी हाँ तो मैंने तो जब मुझे बताया गया कि तुम्हारी अम्मी सानिया सईद क्योंकि वो वैसे ड्रामास कम करती हैं हाँ। और उन्होंने किया हाँ। तो मुझे तो मैंने कहा उफ़ जो फर्स्ट डे कैसे लगा उनके साथ काम बहुत अच्छा मतलब हाँ। मैं पहले उनकी फैन थी लेकिन अब मैं प्यार भी करने लग गई उनसे क्योंकि वो है ही ऐसे उनकी पर्सनैलिटी प्यार करने वाली है ना ज्यादा बहुत उनसे मैं इतना अटैच हो गई और हमें कुछ बातें मतलब मिलती जैसे कि मैं एनिमल लवर हूँ बहुत ज्यादा वो भी है तो हम लोग यही बातें करते रहते थे कि इस बिल्ली के साथ क्या करना है कोई भी लोकेशन पे सेट पे जाएंगे वहाँ बिल्लियाँ हम लोग के पास ना सब चीखते थे बिल्लियाँ क्यों आ रही हैं और वो सारी हमारे पास उनको बिल्लियाँ भी लेके जाते नहीं नहीं मतलब जो लोकेशन पे खाना डाल के ना उनको अपने पास बुला लिया करता था हाँ। जब भी हम लोकेशन पे जाते थे बिल्लियाँ हमारे पास यूँ खड़ी रहती थी सीन में भी खड़ी होती थी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त ज़ैनब शबीर हैं और फिर नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगी ये देखने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से मेरी पहली मुलाकात है आहिस्ता आहिस्ता अगले अगले सेगमेंट में हम जरा और फ्रैंक हो जाएंगे जाहिर है और इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे एक और न्यू कमर जिनको मैं काफ़ी ड्रामों में देख रही हूँ क्योंकि मैं ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि कौन नया आया हुआ है लड़कियों को शायद ज़रा ज़्यादा जल्दी मौका मिल जाता है अपनी जगह बनाने की लेकिन लड़कों को बहुत और ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है तो आइए इनको बुला के इनसे पूछते हैं कि इनकी भाग दौड़ कहाँ से शुरू हुई और कितनी अभी तक जारी है मैं बुलाने वाली हूँ जी आपने देखा होगा इनको मेहरपोश में तड़प कहीं दीप जले शाहरुख की सालियाँ मेरा रब वारिस आइए वेलकम करते हैं सैयद आरिज अहमद तालियां के बगैर काम नहीं चलता जी आरिज कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं मुझे ज़ैनब ने बताया इनको 2.5 साल हो गए हैं फिल्म में तो आरिज को कितने साल हुए तकरीबन 1 साल ज्यादा 3.5 साल 3.5 साल 3.5 साल तो आरिज आपको क्या लगता है कि मैं सही कह रही हूँ लड़कियों को थोड़ी आसानी होती है अपनी जगह बनाने में लड़कों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि नहीं क्या लगता है आपको मुझे ऐसा आपका एक्सपीरियंस क्या मुझे ऐसा लगता था जब मैं आया था अच्छा और मुझे अभी भी लगता है क्योंकि मुझे ये लगता है ना अम्मा अम्मा मुर्गी की टांग लड़कों को देते तो ठीक है 24 वाले मुर्गी की टांग लड़कियों को बराबर करेंगे मुझे लगता है लॉन्जेविटी मेल एक्ट्रेस की ज्यादा होती है हाँ वो 40 में भी हीरो प्ले कर सकते हैं ये भी है और सैडली खवातीन ये नहीं कर पाती और शादी के बाद कुछ कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है खवातीन को मर शादी के बाद भी धड़ल्ले से कंटिन्यू कर तो कोई नाइंसाफी नहीं है ठीक है ऐसा है तो है हाँ ना बच्चियाँ कुशल मंगल सबको अच्छा आरिज कैसे है हाँ क्या याद दिला दिया आपने क्यों ऐसी कोई दुखी कहानी है क्या? दुखी ही कहानी है वाकई? बड़ी बड़ी दुखी कहानी अच्छा आ, आपने तो बड़ा दुखी कर दिया मुझे जैसे ज़ैनब को बचपन से शौक था तो आरिज को भी बचपन से शौक था नहीं नहीं बिल्कुल भी बचपन से शौक नहीं था अच्छा मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि ये करियर बनाया जा सकता है एक्टिंग मुझे लगता अच्छा। था ये शौकिया काम है और साथ में कुछ और करते हैं तो आप कैसे मतलब आपने फिर क्या शौकिया आ गए एकदम आ गए किस्मत ने नहीं बहुत स्लो एंड स्टेडी अच्छा ये सफर शुरू होता है यूनिवर्सिटी से मैं बैचलर्स कर रहा था तो मेरी किस चीज में बैचलर्स किया मैं बीबीए कर रहा था नहीं किया नहीं मैंने अच्छा पूरा नहीं किया नहीं नहीं पूरा नहीं किया। देखो जरा ये पढ़ाई छोड़ के भाग गया नहीं नहीं कहानी है अभी कहानी कहानी मैं पूरी बताऊं अच्छा आगे फिर तो वो आप इजी हो जाए आप नैप ले लें मैं अब शुरू हो गया हां जी मेरी एक दोस्त हुआ करती थी उन्होंने बोला एक थिएटर प्ले करना है तो तुम कर लो साथ अच्छा तो प्रायोरिटी ये थी कि उन दोस्त के साथ वक्त गुजारा जाए अच्छा। वो मोहब्बत वाला मामला ओहो अच्छा तो हमने कहा क्यों नहीं हम करते हैं करते आती नहीं है लेकिन करते हैं हाँ। खैर वो रिहर्सल शुरू हुई महीना 1.5 महीने रिहर्सल्स की हमने तो मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई हाँ। मुझे मजा आने लगा खैर ये तो करना है दोस्त वही रह गई दोस्त थी वो कर रही थी वो रिहर्सल खुद करा रही थी डायरेक्ट भी कर रही थी वो काम भी कर रही थी अच्छा तो लेकिन वो प्रायोरिटी सेकंड पे चली गई ये पहले पे आ गई कि यार अब तो कर रहे हैं तो अच्छा करना है खैर यूनिवर्सिटी में वो प्ले किया वो एक रशियन प्ले था जो कि उर्दू में अडैप्ट हुआ था अच्छा
तो वो प्ले किया और सबको छोड़ के वो मेरे लिए तालियां बजना शुरू हो गई कि ये कौन है, ये लड़का कहाँ से आ गया। फिर आरएस को पता चला कि ये मेरे अंदर तो ये टैलेंट था छुपा हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता था। वो पहला मोमेंट मुझे अभी भी याद है जब स्टेज लाइट्स ऑन होती हैं, हाँ। और आपको नजर नहीं आते लोग, और थोड़ी देर बाद जो है वो लोग नजर आना शुरू होते हैं, दिल की धड़कन कम होना शुरू होती है, कांपना कम शुरू होता है और फिर आप रिदम में आते हैं। तो उसके बाद भी ये सोच नहीं थी कि करियर बनाना है। फिर मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। अच्छा। तो दो साल मैंने वहाँ बैचलर्स किया। उस दो साल के बीच में मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी नहीं कर सकता मैं, तो मैंने फिर एयरफोर्स का टेस्ट दे दिया जीडी पायलट का, और वो भी क्लियर हो गया। कंफ्यूज लड़का। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ। और वो भी क्लियर हो गया जीडी पायलट। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा यहाँ चला गया तो छोड़ नहीं पाऊंगा, ये छोड़ सकता हूँ, तो वही करते हैं जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, जो दिल चाह रहा है। तो मैंने बैचलर्स किया मैरीटाइम स्टडीज में, दो साल वहाँ गुजारे। उसके बाद फिर मैं नापा चला गया, वहाँ से मैंने थिएटर किया ढाई साल। अच्छा। उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये सब करने में, जहाँ जो लड़का मर्चेंट नेवी एयरफोर्स ये सब कर रहा था, उसके अब्बा अम्मा कैसे तैयार हो गए कि बेटा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी? उसके अम्मा अब्बा ऐसे तैयार हो गए कि सबको ही अपने अम्मा अब्बा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे वाकई बहुत अच्छे हैं। वो इतने अच्छे लोग हैं, मैं कभी कभी उनको इंडिविजुअली देखता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, कैसे हैं। हाँ। वो इतने प्यारे लोग हैं। और उन्हें पता था जब मैं पैदा हुआ कि ये कोई पुट्ठी चीज आ गई है हमारे घर में और इसने कोई पुट्ठा काम करना है, या ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या ये कुछ नहीं करेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा तू कर, इससे बेहतर है कि तू भागी हो जा, तू कर ले। हाँ। तो दे सपोर्टेड मी। अच्छा, इतना सपोर्ट, एक दफा भी नहीं बोला बेटा सोच रहे हो, देखो क्या कर रहे हो, देखो कहाँ तुम जा रहे थे? और शोबिज का शुरू में तो यही होता है ना, बाद में आपको अगर फेम मिल जाए तो वो यही रिस्क है एक तरह का। नहीं, तो वो उनके असल में हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो थोड़े डरे हुए होते हैं। हाँ। तो डर था उनके चेहरों पे। हाँ। ये तो बड़ा लंबा सफर कर रहा है, पहले थिएटर पढ़ रहा है, इसने कह रहा है कि सीख के जाऊंगा। हाँ। सीख के करूंगा। तो वो डर था, लेकिन वो डर कभी अल्फाज में नहीं आया मेरे सामने। अच्छा। मुझे नहीं पता चला। हाँ। मुझे अब पता लग रहा है कि हाँ ये बात होती थी अम्मा अब्बा की, ये पता नहीं होता है नहीं होता, बड़ा रिस्की काम है, एक पक्की नौकरी थी मर्चेंट नेवी की, डॉलर में कमाई होती थी और ये क्या कर रहा है। हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। ग्रेट, सेट है वो। जी जी, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अम्मा देखिए। कितने बहन भाई हैं आपके? हम हैं चार मुझे मिलाकर। अच्छा, और कोई शोबिज में, कोई खानदान में, कोई दूर दूर तक में? नहीं, शोबिज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई कोई भी नहीं। मेरी जो बड़ी बहन है वो जब एआरवे वन वर्ल्ड हुआ करता था, एआरवे न्यूज, हाँ, तो उसकी पहली न्यूज कास्टर्स में से थी। अच्छा 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 अच्छा। तो वो छोड़ दिया उन्होंने बेबी के बाद। अच्छा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं, भी नहीं। और बाकी बहन भाई क्या किस शोबे में है? सबसे बड़ी बहन जो है वो मास्टर्स इन इंग्लिश है। अच्छा। उसके बाद भाई है वो ब्रिगेडियर है फौज में, फिर बहन है वो जो एआरवे वाली, फिर एक नालायक इंसान है, सबसे छोटा, सबसे पैम्पर्ड, सबसे स्पॉइल्ड। अच्छा, स्पॉइल्ड थे आप बाकी? मैं इसलिए स्पॉइल्ड हूँ क्योंकि जो फर्क है बहन भाइयों में वो 16-17 साल का। अच्छा, आपकी और भाई बहन भाइयों की एजेस में 16-17 साल का। जो मेरे से इमीडिएट बड़ी बहन है जिसको मैं तू कहता हूँ, वो मुझसे 11 साल बड़ी है। ओए होए, तो ये तो बेबी आ गया था ना घर में। एग्जैक्टली। तो अम्मा अब्बा सिर्फ दो नहीं थे, वो जो तीन और बड़े बहन भाई थे वो भी तो अम्मा अब्बा का रूप धारण करते थे। और रिजल्ट के बाद मुझे बड़ी डांटे पड़ती थी, हायरार्की शुरू होती थी, अब्बा अम्मा बड़ी बहन भाई फिर बहन। तो मैं कहता था यार रिजल्ट आए मैं भाग जाऊं कहीं, क्योंकि पढ़ाई तो उनको बता के जाऊंगा कि मैं भाग रहा हूँ। नहीं, अच्छा मुझे बताओ लड़की कैसी चाहिए, किस तरह की? देखिए, जिस तरह की भागने वाला मजाक था, दोबारा बोल दो, भागने वाला मजाक था, बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। रिश्ता भी नहीं आएगा अच्छा फिर? नहीं, रजामंदी होनी चाहिए पेरेंट्स की। देखिए, भागना, क्योंकि खानदान, दो खानदानों की शादी होती है सिर्फ, बिल्कुल दो खानदान। और मैं ये अजम करके आया था कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अब हो जाए तो हो जाए। मुझे नहीं चाहिए, बस कर दो, मैं एक सिंपल खातून हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बस एक, हम बोरिंग शो करेंगे आज, हम बिल्कुल बोरिंग शो करेंगे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, मुझे कोई रेटिंग नहीं चाहिए। अच्छा, लड़की के बारे में बताओ कैसी चाहिए लड़की? देखिए, जैसी मुझे चाहिए उसको मैं नहीं चाहिए। तो अब मैं सोचता ही नहीं मुझे कैसी चाहिए। नहीं, अच्छा अच्छा, तुम अपना क्राइटेरिया तो बताओ भाई। मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है।
कंपैटिबल है अगर आप उसे मतलब ये लड़के भी शर्माते हैं ये बताते हुए तुमने तो इसी को आराम से झट बता दिया अब आप इतना सोच शादी प्रायोरिटी में नहीं है मेरी तो मैंने कभी बहुत ज्यादा सोचा नहीं लड़कों की प्रायोरिटी में शादी कभी होती भी नहीं जब तक मेरे पास में होता मैं 19 साल में शादी होती मेरी तो कौन नहीं करने दे रहा वो बताया ना वो जो मामला चल रहा था तो अभी तक है ये खत्म हो गया हाँ ना हो चुकी होती ना खत्म हो गया तभी तो प्रायोरिटी आप उसी के काम में प्रायोरिटी इजीली नहीं रही आपने कुर्सियां लगाई उसकी शादी में नहीं नहीं उसकी भी नहीं ऐसे थोड़ी यू नेवर प्यारे अफजल टाइप सीन करूंगा जिस दिन उसकी होगी उस दिन निकाह करूंगा वेट कर रहा हूं उसकी यू नेवर नो क्या पता वो दोबारा घूम फिर के फिर मिल जाए आप लोग नहीं वो नहीं एक दरवाजे बंद फाइजा दानिश की तरह दरवाजा बंद हो गया आरिस बहुत दुखी है मैंने आरिस के साथ काम किया है प्लीज जरा वायलिन की म्यूजिक पीछे लगाइए प्लीज हां तो उन्होंने आपको डंप किया या आपने उनको क्या किए क्या हुआ मैं तो ये सबको बताना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल था म्यूचुअल डिसीजन था लेकिन उन्होंने किया क्या ऐसा तो नहीं आप पे पाबंदी लगी थी अगर तुम शोबिज में गए तो ये वाला चक्कर तो नहीं हुआ नहीं नहीं अम्मा अब्बा ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने बोल दिया जाओ नहीं नहीं वो मुझसे पहले से शोबिज अच्छा तो असल में मैं एक बदले के तौर पे आया था एक्टर बनने कि मैं अब दिखाऊंगा तुम कौन हो मैं भी हूँ नहीं तो वो क्या आपको लूजर समझती थी या क्या क्योंकि यूजुअली लड़के थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं हाँ, हाँ, तो जिस एज में मैच्योर थे हाँ बहुत ज्यादा बहुत हाँ, ज्यादा तो मैं जिस एज में था हाँ, तो मुझे नहीं पता था बाकी कि मुझे जिंदगी में करना क्या है हाँ, और क्या फोकस है वो गई तो पता चला कि हाँ फोकस अब होना चाहिए अच्छा क्या ना फिर तो नहीं मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन किसी और ने लिया मेरे लिए मैं मानता हूँ और मैं उसको थैंक यू करता हूँ अगर वो देख रही है आपको पता है आपकी वाकई जिंदगी में ऐसे फेजेस आते जो आपको किसी की वजह से आपको धक्का पड़ता है और exactly. आप आगे जाते तो वो धक्का मुझे ना पड़ता ये वाली चीज ना कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा ये आपको पता नहीं कहाँ ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते तो आप तो बड़ा अच्छे स्प्रिंग के धक्के से आए इंशाल्लाह बहुत आगे जाएं मुश्किलात क्या पेश आई जब शो बिजनेस में आए क्या जैसे ऑडिशन इन्होंने दिया आपने भी दिया या कोई पर्ची थी आपके पास नहीं कोई पर्ची नहीं थी दो थी अम्मा की अब्बा की दोस्तों का साथ था फैमिली की सपोर्ट थी अच्छा दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट रहे मेरे इस स्ट्रगल में तो कोई ऑडिशन दिया या जी जगह जगह गए बहुत ऑडिशंस दिए और कंसेक्यूटिव 8 ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ मैं और एक ही चैनल ने किया 8 में अरे बाप रे मैं फिर 9वें में भी गया कि जब तक नहीं लेंगे तब तक आता रहूंगा तो उन्होंने कहा अच्छा तुम आ जाओ ये है 4-5 दिन का गाना कर लो हमने कहा आप कर ले गुजार ले मुझे कहीं तो वो गुजारना ही था मुझे मैं गुजर गया कैमरे के आगे से फिर और मैंने बताया नहीं किसी को हाँ। कि मैं गुजरा हूँ तो मुझे एक दो कॉल आ गए दोस्तों की अरे मैं हमने देखा मैंने कहा किसी को बताया नहीं पासिंग है बस किसी को बताया नहीं तो मैंने भी शादी का सीन था उसमें बैठ के ढोलक बजाइए गाने गाए एक्स्ट्रा शुरू में और क्या जब अब्बू के पास ड्रामों में रश कम पड़ जाता था तो चलो बच्चों पूरे घर जब मियां के उस वक्त मियां नहीं था उस वक्त मंगेतर था ठीक है ना जब उसके ड्रामों में जो वो डायरेक्शन करता था रश पड़ जाता तो मेरे पूरे खानदान को बुला लेता तो हमने भी और मैं तो ऑडियंस में भी बैठी हूँ तालियां बजाते हुए जैसे जीतो पाकिस्तान का शो है या एक म्यूजिक का शो होता था यासर अख्तर करते थे तो उसमें मेरी बहन जो है पार्टिसिपेंट थी मैं ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाई उन्होंने कहा आप इन ड्रामे में काम करेंगी फिर को पता चला मैं काजिम पाशा की बेटी मैंने कहा वाह भाई अच्छा सही है तो लड़कियां और लड़कों ऑडियंस में भी जाके आपको चांस मिल सकता है एक इंडस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है कि आसान होती तो हर कोई कर लेता मुश्किल है लेकिन लक बड़ा काउंट करती है आप लक का एलिमेंट बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा लोगों को ये बात का पता नहीं है कि बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना वो जब मैं गई शोबिज में तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार तो बहुत आसान काम है और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सेंटेंस बोला था मुझे अभी तक याद है कि उसने कहा मुझे भी ना करवा दो ऑडिशन वगैरह मैं भी करना चाहता हूँ मैंने क्यों तुम्हें शौक ही नहीं है तुम क्यों करना चाहते हो तो उसने कहा कि यार एक वाहिद ऐसी फील्ड है जहाँ बगैर कुछ करे बहुत सारे पैसे मिलते हैं ये सब लोगों मैंने कहा कहाँ मिलते हैं ये बहुत सारे अच्छा पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है इंडिया में तो हर कोई शोबिज में आना चाहता है पाकिस्तान में तो थोड़ा सा ये है ना रोक टोक है और हर चीज का एक लिमिटेशन है लेकिन वो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते एवरीवन वांट्स आपने देखा नहीं कोई इंटरव्यू लेने पहुंचा तो इतने लोग आ जाते हैं ना वो रिपोर्टर के पीछे मुझे अंडे वाला बर्गर टाइप माहौल कर लेते मेरी मेरा कहीं मुंह आ जाए मुंह आ जाए हम भी आए इस तरह वाला अच्छा तो फिर आपने काफी जूतियां घिसी पापड़ बेले तो अब जाके आपको अब लोग पहचानते हैं मतलब बाहर निकलता है आरिस तो ओ आप उस ड्रामे में आ रहे हैं जी
तस्वीरें खिंचवाने आते हैं जी, अब हो गया या आप खुद जाते हैं रश में? नहीं, ये शुरू में करता था, शुरू में करता था कि पहचाना नहीं किसी ने। हाँ मैं हूँ, मेरे दोस्त भी कहते थे अरे ये। कभी कभार ऐसा होता है ना, ड्रामा चला और निकल गए बाहर, ऐसा किया है? तुमने किया है कभी? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैंने तो बहुत चीप और पेटी हरकतें की है। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि ये ऊंची आवाज लगा दो, कह रहे ये तो एक्टर है, तो इस बहाने लोग आ जाते थे। कुछ वो लोग भी आते थे जिन्होंने देखा भी नहीं होता था। लेकिन अब ठीक है, चलो खिंचवा लो। अब मैं पहली मास्क पहन के चला जाता हूँ, आराम से शॉपिंग हो जाएगी। अब क्या, अब जब जाते हैं आप कहीं तो अब क्या होता है? अब तो काफी ड्रामे माशाल्लाह है। हाँ। और लोगों को काम पसंद आ रहा है, मुझे मेरे नाम से कम कैरेक्टर्स के नाम से ज्यादा। यही मैं कह रही थी ना, जब आप नए नए आते हैं तो उस वक्त जैसे सज्जल भी जब नए आए थे, उन्होंने महमूदाबाद की मलकाएं किया था, सबूर सज्जल माशाल्लाह उनका एक बड़ा नाम है सज्जल का, तो वो तब नाम ही जो कैरेक्टर्स के होते थे वो उसी से पहचाने exactly. ये वो सारे लोग हैं जो खुद अपने बलबूते पे बने, ऑडिशंस दे दे के, मतलब लाइक सज्जल हमारे पास, हम नदानिया के सेट पर थे, हमारे पास आई थी ऑडिशन देने, और उस वक्त ही मैंने कहा था कि सबूर सज्जल बहुत टैलेंटेड है, तो वो फिर इसी तरह यासर ने फिर हुमायूं को दिखाई तस्वीर के, ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है, उसकी तस्वीर तो महमूदाबाद की मलकाएं उन्होंने की, तो वो कोई ना कोई अल्लाह ताला जो है ना रास्ते आपके बनाए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है ऑडिशन एक इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बहुत, और फेलियर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस। हाँ, क्योंकि आप बार बार फेल होके बेहतर होते जाते। जो एक्टर जिसने ऑडिशन नहीं दिया और वो रिजेक्ट नहीं हुआ, हाँ, तो वो पता चल जाता है स्क्रीन पे कि यार ये आ गया है। yes, कहीं से एकदम आ गया है ये तो कहाँ से आ गया, वो बहुत माठा है या बहुत माठी है, ये लोग बोल रहे होते हैं सीरियसली, किस माठे को कास्ट कर लिया, तो वो जो अगर माठा नहीं होता तो फिर वो माठा और माठी नहीं। exactly, होते, मैंने लुक बैक, आई फील लकी कि मैं 8-9 बार रिजेक्ट हुआ बड़े सुकून से, और शुरू में तो वो कैरेक्टर्स मिले कि उसके पास डेट नहीं है, उसके पास डेट नहीं है, तो अच्छा यही तो कहा था तुम्हें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास डेट्स नहीं थी, तो हम उन लोगों का शुक्रिया हाँ, उनको मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनके पास डेट्स नहीं है, और आप लोग बिजी रहे ताकि हमारे पास काम। अब टफ कॉम्बो कह रहे हो, हम कहाँ से ले आए? एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे न्यू कमर्स के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो, मुझे हमेशा ऐसे लोगों की स्ट्रगल सुनने का बहुत शौक है, उनके बारे में जानने का, उनको डिस्कवर करने का, और नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है, और इसीलिए मैं अपने शो पे इनको इनवाइट करती हूँ, और हो सकता है कि भाई किक मिल जाए, कोई प्रोड्यूसर देख ले यार ये तो अच्छी लड़की है, यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, तो अगले वाले ड्रामे में इनको लीड वाला देते हैं काम, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिसमें नई लड़कियों को कास्ट किया गया, उनको एक किक मिली और जी वो फिल्म स्टार बन गई, जिसमें शामिल है माया अली, जिसमें मैंने सज्जल का नाम लिया, तो बहुत सारे, उर्वा जो है माशाल्लाह से वो हमारे पास वीजे थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे ड्रामों में आपको नजर आने लगते हैं, एक उनको कोई एक मौके की देर होती है। Exactly. अब मैं जिस लड़की को बुला रही हूँ वो भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची और आपको काफ़ी ड्रामों में नजर आ रही हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं, उनका सफ़र कैसा था आइए उनसे जानते हैं। आपने उनको देखा है मुख्तलिफ ड्रामों में, अभी मैं नंद उनका देख रही हूँ, नंद में वो बहुत ही अच्छी भाभी बनी हुई है, और वाकई ऐसी भाभियाँ भी होती हैं। मने इल्तजा, तो मुश्किल नाम है, मने इल्तजा, बला में भी देखा आपने उनको, मुबारक हो बेटी हुई है मेरे अब्बा की ऊंची हवेली, तो जी आइए वेलकम करते हैं महविश कुरैशी। पॉजिटिविटी, और पता नहीं क्यों मुझे शौक बड़ा है कि यार मुझे कुछ नेगेटिव मिले, कुछ मतलब मुश्किल करने को मिले, लेकिन पता नहीं मेरा फेस सबको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी मासूम सी और ये ही कर सकती हूँ, असल में मासूम हो मैं भी इसके नहीं पता नहीं, ये तो दूसरों से पूछना पड़ेगा ना। हाँ, मैं इन सबसे यही पूछ रही थी कि लाइक ये लोग कैसे आए, क्या स्ट्रगल थी, महविश की क्या स्ट्रगल, महविश की बहन और बहनोई तो मतलब है ना। अच्छा, हाँ, थे ये सबको लगता है कि मैं भी अगर किसी को देखती तो भाई, अगर किसी को नहीं पता हम दोबारा से बता दें, बिलाल और उरूसा, लाइक बिलाल इनके बहनोई है और उरूसा इनकी बहन है, ये मुझे आवाज पता चला।
अच्छा वाकई मुझे चेहरा तो बहुत नहीं लगती थी नॉर्मली लोग यही समझते हैं हमारे शो में एक साथ इकट्ठे आए भी हो ना बहनों के शो बिल्कुल जी उसे तुम बहुत नई नहीं थी बिल्कुल बहुत नहीं थी वो बहुत स्टार्टिंग था तो स्टार्ट ऐसे हुआ था मुझे होस्टिंग का बहुत शौक था तो सिंधी स्पीकिंग तो उस वक्त किसी रीजनल चैनल से ना ऑडिशन आए हुए थे तो घर पे मैंने बात की अम्मा से तो मेरी अम्मा जरा वो टिपिकल जो हाउस वाइफ टाइप की थी ना अब तो बड़ा हमने उनको चेंज कर दिया है तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई थी शो बिजनेस में नहीं मैं बहुत यंग थी बस 14 मैंने रूसा बड़ी है कि तुम बड़ी हो रूसा बड़ी है अच्छा लंबी तो हूँ ज़्यादा लंबी मैं हूँ और रिस्पॉन्सिबल मैं भी मैं ही हूँ और नॉर्मली लोग समझते भी यही है कि अच्छा मैं बड़ी हूँ बिकॉज जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें आती है ना वहाँ फ़ौरन मैं खड़ी हो जाती हूँ रूसा को साइड पे करती हूँ और रूसा तो फैमिली नहीं है हाँ और फैमिली में एक भाई होता है ना वी डोंट हैव ब्रदर ना तो वो भाई की कमी मैं पूरी कर देती हूँ कि अच्छा ठीक है जहाँ बहनों को बचाना होता है ना वहाँ साइड पे करके मैं खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ जी बोले और वो वाले जो सीन्स होते हैं ना जो अक्सर भाई करते हैं कि अच्छा भाई बहनों को कोई देख रहा है कुछ कर रहा है तो फौरन उसको आंखें दिखाना तो आम तो वन जो मैं लड़कों को बड़े आंखें मेरी भी छोटी बहन वो वजन में ज्यादा थी वो जो कोई मुझे कोई किसी ने कोई पर्ची भेजी है वो मेरी बहन को कुछ बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड थी तुम अपनी बहनों ये जी हाँ ये कैरेक्टर अभी तक मेरा है और उससे पहले भी वो जरा होता है ना कि वो लड़के यू नो कोई रिश्ता आता है कुछ आता है तो सबसे पहले ना अम्मा से भी पहले मैं शुरू हो जाती थी अच्छा ये कैसा है ये किस तरह मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे और हम लोग क्योंकि बहुत यंग एज में यू नो जॉब करना स्टार्ट कर दी चार बहनों ना तुम लोग हम माशाल्लाह से इसके बारे में मुझे काफी बातें पता है बहुत बातें बताएं सही बात है अच्छा फिर तो ऑडिशन दिया और सिलेक्शन तो हो गई लेकिन अम्मा राजी नहीं हो रही थी तो क्या कह रही थी वो कह रही थी बस ये फील्डिंग करना क्योंकि तुम लोगों का ताल्लुक हैदराबाद से हैदराबाद से और फिर सिंधी फैमिलीज यू नो थोड़ा सा वो इस तरह की होती है फैमिलीज थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है बैकवर्ड तो हमें पता है हमारे ससुराल भी सिंधी है है ना तो वो जरा से स्ट्रिक होते हैं सामने कि अच्छा लड़का चाहे कहीं भी चले जाए लड़की ना निकले पता नहीं क्यों डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का शौक है वो डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश है बेटी की मेरी मियाँ की और मेरी बेटी की खुद ब खुद क्योंकि उसकी उसकी ड्रॉइंग और उसकी राइटिंग उसकी आर्ट बहुत अच्छी है तो मैंने कहा बेटा अब्बा की भी ख्वाहिश पूरी कर ले और अपनी भी कर ले अपनी भी कर उसके बाद देख लेना अगर आना हो तो कभी अम्मा के साइड पे आ जाना तो बस ऑडिशन दिया था और सिलेक्शन होगी उसके बाद अम्मी को किसी तरह राजी किया वो बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई थी लेकिन उन्होंने कहा था कि अच्छा बस होस्टिंग तक ही रहना आगे नहीं जाना लेकिन फिर जब हमने जाना स्टार्ट किया सब किया तो ऑब्वियसली एक्टिंग की ऑफर्स आने लगी और रूसा मेरे साथ जाती थी शूट पे हमें मैं अलाउड नहीं थी कि अकेली जाऊंगी मतलब कोई ना कोई साथ जाएगा मेरे तो रूसा और मैं साथ जाते थे तो बड़ी एक दो शोज किए उसके बाद ऑफर्स आना शुरू हो गई और फिर मैंने एक्टिंग करनी नहीं थी उरुसा अच्छा। ने स्टार्ट किया एक्टिंग नहीं तो उरुसा को शौक कैसे हो गया एकदम लेकिन पता नहीं कैसे बस वो जाते जाते उसको बस ऑफर्स आई तो मैंने कहा यार कर लो ट्राई किया वो तो जा ही तो रहा है पॉकेट मनी अच्छी बन जाएगी सही है ना चलो उस टाइम में पॉकेट मनी मिलती थी और क्या वाकई में मतलब मुझे याद है आज से कोई ये कोई 6-8 साल पहले की बात है तो मुझे याद है उस टाइम पे हमें कभी 3,000 कभी 4,000 कभी 5,000 पर डे बस ऐसे मिल जाता था बड़े खुश हो जाते थे हमारा तो पहला चेक 420 रुपए का था 420 यस इसलिए मुझे याद रह गया टीवी से मिला था नहीं हमारा करते हैं वो तो 3-4,000 में स्टार्ट हुआ है तो बस इसी तरह फिर रूसा एक्टिंग में चली गई और मैं थोड़े बहुत शोज करती रही उसके बाद फिर मैंने ब्रेक कर दिया था मैं नहीं कर रही थी मैं जॉब कर रही थी बिकॉज जैसे ही तुमने एयरलाइन में जॉब की है जैसे ही मैंने 18 टच किया तो मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली थी और फिर मैं वहाँ पे थी रूसा फिर माशाल्लाह से यहाँ उसको एक्सपोजर मिल गया तो वो यहाँ एक्टिंग करने एक्टिंग पे आ गई फिर एयरलाइन तुमने क्यों छोड़ी बस मैं दुनिया घूमने का शौक नहीं लड़की नहीं निदा एक्चुअली मेरे साथ मसला ये है मैं बहुत टाइम तक एक चीज नहीं कर सकती मतलब मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है कि मैं यहाँ भी कर लूँ तो मैं यहाँ भी देख लूँ अच्छा यहाँ का यहाँ तक शौक पूरा हो गया अब चलो नेक्स्ट चीज को चल के एक्सप्लोर करते हैं तो अब यहाँ आके अब मुझे लगता है कि नहीं बस अब यही ना फुल स्टॉप लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुझे बहुत तुम ये हो गया जो जहाँ तुम पहुँचना चाहती हो वहां तक पहुँच गई फिर तुम्हारा दिल भर जाएगा मसला ये यहाँ पे चॉइस
क्राइसिस बहुत है ना, चलो ये ड्रामा नहीं दूसरा कर लेंगे, बोरियत नहीं, हर चीज नहीं लगती आपको। हाँ एग्जैक्टली यही हो रहा है, वही तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे अब लगता है घूमते फिरते ना कि अब जहाँ मुझे होना था शायद मैंने ब्रेक नहीं करना था, मैंने यही आना था वापस। तो वो ही बड़ी टफ जॉब थी और उसके बाद वो किया और फिर अभी आई। लेकिन अभी आने के बाद भी मतलब ये था कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा चलो मेरी बहन है ऑलरेडी तो चलो कोई फ़ायदा उठा लो, किसी से कॉल करा लो। इवन थैंक्स टू देम कि उन दोनों ने मुझे बहुत जगह रिकमेंड किया कि नहीं तुम यहाँ चली जाओ यहाँ चली। मैंने कहा नहीं जाऊँगी तो मैं अपने उससे जाऊँगी, हाँ। मैंने ऐसे नहीं जाना, क्योंकि जब आप एक सही वाले जगह पे पहुँच जाते हो और आप अपनी पिछली लाइफ देखते हो तो आप देखते हो यार मेहनत की है जी। लाइक क्योंकि अगर जैसे लाइक मुझे सपोर्ट थी अपने पेरेंट्स की कि मेरे पेरेंट्स का तालुक पीटीवी से था, मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट ये मिली मेरे साथ बस फील्ड में किसी ने हैंकी पैंकी नहीं की। मगर उसके अलावा जो मेहनत है वो सब जानते हैं कि मैं एक मेहनती लड़की हूँ, तो वो मेहनत से बंदा यहाँ तक पहुँचता है बिल्कुल। और फिर आप जब वो चीज़ अचीव करते हो तो आपको उसकी वैल्यू भी होती है। और मैं सबसे ज़्यादा इसमें प्लस पॉइंट आपको ये कि जो आपकी आपके अंदर जो खामियाँ होती हैं ना वो आप छोटी छोटी जगहों से पूरी करके जब तक आप किसी अच्छी जगह पहुँचते हो आप बिल्कुल लेकिन वो तो मजबूरी है ना हमारी। लेकिन फायदा अगर मेरे अब्बा होते या कोई भी होता तो मैं तो वहीं जाता। बहुत सारे अब्बा वाले बैठे हुए बेचारे, वो उनको तो कोई नहीं लेता भाई। नहीं लेकिन बहुत सारे अब्बा और अम्मा और बहनोई और भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, अमजद खान का बेटा बेचारा हिट नहीं हुआ, उसका अब्बा स्टार था। नहीं हाँ लेकिन फायदा उठाना चाहिए, बैक्ड विद टैलेंट और क्राफ्ट। लेकिन मुझे लगता है फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं, बुराई की बात नहीं। मेरे बच्चे को आना होगा तो मैं तो लेके जाऊंगा उसका हाथ पकड़ के, ये मेरा बेटा है, ये जांच दे भाई, ऐसे मजाक थोड़ी होता है, मैं अपनी फी आधी कर दूंगा। चलो आपसे आप सब लोगों से रैपिड फायर राउंड करते हैं, सबसे सवाल करते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना कि तीनों एक साथ बैठ जाए कि नहीं, वो तीनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या? मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रही हूँ क्योंकि कैमरा पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई सही है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। ओके रेडी गेट सेट, ये रैपिड फायर है, तीनों से कॉमन सवाल है, इसका जवाब सब अपने अपने हिसाब से देना। ओके और ऐसा नहीं होगा कि दो मिनट का जवाब, रैपिड फायर का मतलब है ठक 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 वाला, ठीक है, ताकि हमारे प्रोग्राम का पेस फास्ट रहे। आप लोग रेडी हैं? रेडी गेट सेट गो। अगर बेहतरीन दोस्त उधार मांग ले तो आप लोग क्या करेंगे? आराम से देंगे कि टाल देंगे? फौरन दे देंगे, फौरन दे दूंगी, फॉरन दे दूंगा क्योंकि मुझे भी देना होगा उसका तो ऐसा कुछ वो इक्वल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन कास्ट करे, आपको तो नहीं कर सकते हीरोइन चलिए हीरो कर लेते हैं ना, हम कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हमें वो भी आता है। दोबारा अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन कास्ट करे और आपसे हीरो का नाम मांगे तो क्या आपके जहन में आएगा? मैं आपसे ऑपोजिट सवाल कर रही हूँ कि अगर आपको किसी फिल्म में हीरो कास्ट करें और आपसे हीरोइन का पूछे कि आप क्या सजेस्ट करते हैं किसको हीरोइन कास्ट करें तो आप किसका नाम देंगे? ओके नुमान एजाज, नुमान एजाज हीरो, फवाद खान, फवाद खान हीरो, ज़ारा नूर अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास हीरोइन, क्या बात, सही सही जबरदस्त। अगर आपको मालूम आपको पता चल जाए कि साथी अदाकार ने आपका रोल कट करा दिया है तो आपका फौरी रिएक्शन क्या होगा? आपसे पूछते अल्लाह पूछेगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, अल्लाह पूछेगा, लेट इट बी, लेट इट बी। ओके जी नेक्स्ट, ये मुझे लेट इट बी वाली लगती है कि मैं तो रखूंगा जब तक अल्लाह नहीं पूछेगा। वो क्या चीज़ है जो हमेशा आप अपने बैग में अपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता काम? सैनिटाइजर, अभी सैनिटाइजर एंड स्प्रेज और एंटीबैक्टीरियल, जो स्प्रेज कौन से वाले, वो पेपर स्प्रे का नाम ले लूं? नहीं नहीं मैं समझी आप कह रही हैं पेपर स्प्रे, मैं अपना ना वो देसी स्प्रे जो हम घर पे बनाते हैं। अच्छा उस आप देसी स्प्रे बनाती हो? अच्छा मैं आपको ना बाद में बता दूंगी, बता दो बहन, क्योंकि डिटॉल एंड यू नो ब्रांडिंग एक्चुअली हो गई, कोई बात नहीं, चलो आगे बोलो। ब्लीच और थोड़ी सी मैं ये एक हरकत करती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे रख के अपने ब्लीच डाल के अपने, नहीं नहीं फेस पे नहीं, किसी सरफेस पे अगर आपको करना हो तो। मुझे कंपनीज पे इतना ट्रस्ट नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही बनाई हुई चीज को एटलीस्ट मुझे पता हो कि इसमें क्या है, तो ये मेरे पास हमेशा जरूर हमेशा। आपने बता दिया? नहीं
बताएं परफ्यूम ड्यूटी परफ्यूम वो क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है काम के हवाले से. अच्छा ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत सेम जेंडर की कोई परवाह नहीं है. कोई बंदा हो तो मैं ऐसे करके बैठ जाऊं. ये एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है जो शायद मैं नहीं कह पाती, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं पंखे बंद पसीना गर्मी उस वक्त अगर आप नहा के नहीं गए हो तो जो दूसरा बेचारा है मासूम जो आपके साथ परफ्यूम लगाते हुए ना हर वक्त एक बात पूछती हूँ कि परफ्यूम लगाकर ये एहसास दिलाएं कि आपको सामने वाले का ख्याल है. एग्जैक्टली मैं कैसे मोहब्बत का इजहार कर लूँ किसी ऐसे से जिससे स्मेल आती है. अच्छा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो मैं क्या करती हूँ खुद लगाते लगाते सबको भी लगा देती हूँ कि किसी को बुरा भी ना लगे. ये देखो ये तो कोई बहुत अच्छा है तो सबको लगा देती हूँ. महंगा वाला ना रखे आप वो 100-150 रुपए वाली स्प्रेज आते हैं स्प्रे उस वक्त तक के लिए आपके सीन के लिए काफी हो. हाँ, थोड़ी देर के लिए ये वाली चीजें देखें ऑडियंस को नहीं पता हम बता रहे हैं. पंखे लाइटें लाइटें तो खुली होती है गर्मी में ये लोग क्योंकि मैं तो नहीं अब एक्टिंग करती मैं तो एसी में बैठती शो करती हूँ. हाँ ये लोग खून पसीना एक करते हैं आसान काम नहीं है. बहुत सारे लोग बेहोश हुए हैं सेट्स पे गर्मी के अंदर रिकॉर्डिंग करने की वजह से. ब्लड प्रेशर लो हो गया इनको मना किया था मैंने 2.5 मिनट ना खाना खुद खा रही हूँ आगे बढ़ो. हाँ कौन सा ऐसा कैरेक्टर है अगर आपको वो मिलता ना कोई मशहूर कैरेक्टर जो अभी ड्रामे आए हैं या फिल्में आई हैं अगर वो आपको मिलता तो आप उससे और भी ज़्यादा इंसाफ करते. मुझे देख रही है, मैं पहले हाँ कोई भी दे दे सब सोच रहे हैं प्यार के सदके वाला आप बहुत अच्छा कर ले. ओके आप बताओ महवेश. मुझे लगता है कि मैं कोई भी कैरेक्टर किसी को नाराज नहीं कर सकती. नाराज नहीं मैं नहीं कोई कैरेक्टर तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो कि ये मुझे तो देख के देखते जरा मैं ऐसा करती हूं. मैं आपको वही बता रही हूं कि मैं मुझे नेगेटिव करने का बहुत शौक है तो नंद का कैरेक्टर अगर तुम्हें मिलता तो तुम और अच्छा कर सकती थी बहुत. मैं मुझे नहीं लगता कि डर रही है वहां जाएगी तो पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा. नहीं 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 ऐसी बात नहीं है. शी इज वेरी स्वीट वो स्क्रीन पे ऐसी है वरना शी इज वेरी स्वीट. लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है हर कोई काम अपने एक उसमें ना शेल में करता है. मतलब आप किसी से अच्छा है से बुरा नहीं कर सकते. आपका काम आपका है किसी और का काम ये बिल्कुल ये असल में भाभी जैसी है जैसे भाभी बनी हुई है ना. अच्छी अच्छी बात हो गई ये तो चले हमें जवाब मिल गया कि मैं वाकई में मासूम हूं. हां तुम बताओ एग्री विद हर. नहीं यार हां मुझे भी यही लगता है. नहीं यार बिकॉज़ आप नहीं बता रहे. मैं पैर की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं यार. ये तो गलत बात है. देखिए स्टार्ट मैंने किया था सही था. अब क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं हम क्या करें. ओके नेक्स्ट बैंक से फोन आ जाए कि आपके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं. उस 1 करोड़ का क्या करेंगे. मैं तो घर लूंगी. मैं तो घर लेगी. इसको 1 करोड़ का घर पता नहीं कहाँ मिलेगा. फ्लैट भी नहीं मिलता आजकल तो 1 करोड़ का. हाँ, पूंजी भी करा के सब मिक्सअप करके हाँ, मैं ले लूंगी. सबसे पहले मेरे दिमाग में नहीं तो 1 करोड़ का घर शायद वहाँ मिल सकता है सुपर हाईवे पे आगे सुपर या इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा. 1 करोड़ का तो फ्लैट भी नहीं आता. लेकिन मैं वो सेव नहीं करूंगी. मैं कुछ ना कुछ उससे अच्छा लूंगी. क्या पता वापस ना पहले कुछ क्या पता ट्रांजेक्शन हुई है वापस ले पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कि ये ताकि वहाँ से जाए ना. आप क्या करेंगे. मैं ट्रैवल करूंगा. मैं गाड़ी खरीदूंगा और बस मैं उड़ा दूंगा. बस उड़ा दूंगा. मैं वेट करूंगी पक्के पता चले कि किसके हैं. हाँ. ऐसे यूज नहीं करूंगी. हाँ. बहुत ही मॉरली करेक्ट इंसान है. हम नहीं है. हमारे पास आए बस उसके बाद हम देख लेंगे. हमारे पास 500 आए उसको रिश्ते के लिए अगर कोई बात करने आए तो पहले आप लड़के को इम्प्रेस करेंगी. लड़कियों के लिए सवाल है कि आप लड़के को इम्प्रेस करेंगी या लड़के की अम्मी को. और आपके लिए सवाल है कि अगर रिश्ते के लिए आपके लिए भी कोई रिश्ता आ जाए तो आप पहले लड़की को इम्प्रेस करेंगे या लड़की के घर वालों को. चलो महवेश मेरा ख्याल है कि आप तो मैं तो हाँ, ना रिश्ता हो चुका है. हाँ, वो तो हो चुका है. बट जो मेरा ख्याल है कि आपको उनके पेरेंट्स से पहले आपको उनको इंप्रेस करना चाहिए बिकॉज़ आपने रैपिड फायर है बहन उनके साथ गुजारनी. हाँ, लड़की को ओके. किसी को भी नहीं कोई इंप्रेस ही नहीं करोगी. आता है जाता है जाए कोई मरी नहीं जा रही मैं शादी करने के लिए. हाँ बिल्कुल सही है भाई. आप बताएं भाई. मुझे लगता है वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड होंगे. आपने मुझे देखा. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको आप देख रहे हैं कि वो अब मुख्तलिफ ड्रामों में आपको नजर आते हैं. हमारे पास सैयद आरिज अहमद है. मैं पूरा नाम जरूरी है. दीन भी है बीच में. क्या है सैयद आरिज उद्दीन अहमद.
सैयद आरिज उद्दीन अहमद, एंड क्रेडिट्स में ये पूरा चलता है? नहीं नहीं, आरिज अहमद चलता है। तो फिर आरिज अहमद बोल रहे हो ना। मेविश कुरैशी और ज़ैनब शब्बीर, ये तीनों आज हमारे पास है और इनसे मैं बड़े मजे मजे के सवाल करी थी। दो चार चीजें करने के बाद ना, वो पिछला वाला ले लिया था ना मैंने जवाब कि अम्मी को इम्प्रेस करेंगे, तीनों से हो गई थी ना बात। अच्छा, अगर कोई राह चलता बुरी एक्टिंग का ताना दे दे, कोई भी आप बाजार गए या कहीं भी गए, यार बड़ी अच्छी नहीं की आपने एक्टिंग, मुंह पे बोल दे, क्योंकि मुझे एक आध दफा आंटी बोल चुकी है, क्या तुम तो मॉर्निंग शो करके तो तुमने मेरी बहू का दिमाग खराब कर दिया। वो आंटी मुझे कह चुकी है एक दफा, हाँ मैंने कहा आंटी सॉरी प्लीज, कल आइंदा मैं आप लोगों के फेवर में बात करूंगी। तो वो मुझे तो मिल चुका है एक ताना ना ऑन, मतलब बाजार में। तो कभी आप लोगों को ऐसे बोल दे तो क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई बोले कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं, मैं कहूंगी आपने देखा क्यों। अच्छा, यही बोलती हूँ, गुड गुड, देखा क्यों आपने? हाँ। तो मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम पे हर जगह पर, हाँ। कि ये किया वो किया, तो मैंने कहा आप लोग देख क्यों रहे हैं, जस्ट अनफॉलो। आप हाँ। आपको देखना भी वो ये क्रिटिसाइज भी करना है, नेगेटिविटी भी फैलानी है, स्टॉप वॉचिंग। लोग नेगेटिव नहीं हो गए आजकल ज्यादा? बहुत ज्यादा, सबके पास अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दी है कोरोना की सूरत में, फिर भी नहीं सुधरते हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो अरे तुम बताओ। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक ठीक है, आइंदा बेहतर करने की कोशिश करूंगा कि नहीं? मुझे पता है मैंने क्या किया। और आप क्या कहोगे? मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ। मैंने इल्तजा जब ऑन ईयर था तो उसमें अफशां कुरैशी जो मेरी सास बनी थी, तो वो बड़ा जुल्म करती हैं, जला देती हैं, तो मुझे किसी ने ना ऐसे चलते हुए, बहुत सीधी सी खातून थी, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, हाँ। तो उन्होंने रोड के बीच में ना, वो भी शायद कर रही थी, वन बूढ़ी सी खातून थी, हाँ। तो उन्होंने पकड़ के मुझे बोला कि अल्लाह का शुक्र है पहचान गई वो, तो उन्होंने यूँ पकड़ के मुझे कहा कि वो जो तुम्हारी सास है ना, सिंधी में बोला उन्होंने कि वो जो तुम्हारी सास है ना, तुम उसके साथ ये कर लो, तुम उसके साथ वो नहीं कर लो, ये ऐसे क्यों करते हो, यूँ करके ना। और मैं तो थोड़ी देर के लिए मतलब मैं शॉक हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि यार मतलब तुम्हारे फेवर की बात कर रही थी, एग्जैक्टली सास को किस तरह करो उस तरह करो, मैं तो उल्टी बात कह रही हूँ। कोई आपको पकड़ के कोई आपके लिए नेगेटिव कमेंट दे दे, वो मैं एक्टिंग की बुराई कर दे, ये उल्टा माफी मांग लेंगे उससे, अच्छा सॉरी। मुझे ऐसा लगता है अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो शायद मैं यही बोलूंगी अच्छा नेक्स्ट टाइम सही कर लूंगी। ओके हाँ जी, छपकली नहीं, छुपकली या कॉकरोच, किससे डर लगता है? दोनों से, कॉकरोच। और आप दोनों से? जब तक उड़े ना तब तक ठीक है, उड़ता है तो फिर हाँ, फिर तो सामने वो ठीक है, गायब हो जाता है फिर तो हालत। क्योंकि घर में कोई एक शख्स होता है जिसको बुलाया जाता है चुपकली मारो, और हर घर का एक कोई अब्बा होता है जो मारता है, कोई एक भाई होता है जो मारता है। आपके घर में ये काम कौन करता है? हमारे यहाँ लेगेसी चल रही थी पहले, अब्बा ठीक है उन्होंने उंगली तोड़वा ली इस चक्कर में, अब मैं, अब कोई आने वाला कोई होगा तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, उंगली कैसे तोड़वाई? वो बेड हटा रहे थे, हाँ। पूरा बेड हटाया उन्होंने, चिपकली और वो बेड भी लग गया उनका, बाद में उनके जूता था तो बेड पे लगी उंगली, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तुम्हारे घर में कौन है ये चिपकली वगैरह मारने वाली? अम्मी मारती है, मेरी बहन जो है वो चिपकली से डरती है, मैं कॉकरोच से। मतलब अगर वॉशरूम में कोई कॉकरोच हो ना, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, तो मुझे वो कोई चाहिए मुझे। अब मैंने पता क्या किया, अब ना मेरी जो मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो मैं बिल्लियों को ना मैंने एक ड्यूटी दी हुई है कि तुम लोगों को सारे कॉकरोच मारने हैं, और एक बिल्ला ऐसा है अभी ना कि वो सब देखता है कॉकरोचेस कहाँ पर है, तो उसे ना मार मार के फेंके, सिर्फ मार के ना हाथ से मार मार के फेंके, इतना पसंद है वो, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम करता है मेरे। कॉकरोच को मरता हुआ देख के खुश होती हो। और तुम, तुम्हारे घर में किसकी जिम्मेदारी है? पहले अम्मा की थी, अब जो मेरे हस्बैंड के जो फादर है उनकी, माशाल्लाह 75, लेकिन वो अभी भी, और वो तो स्पोर्ट्स यही होगा ना, यही जवानी का, यही होगा, अब रिटायरमेंट के बाद उनके पास और कोई काम नहीं तो वो यही करते हैं। ओके, अब जो है ये सवाल जवाब बहुत हो गए, अब हम चल रहे हैं आप लोगों का मेमोरी टेस्ट। देखिए जब जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, हमें उनको दिखाना है आपकी मेमोरी भी कितनी अच्छी है, दिखते भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है, एक्स्ट्रोवर्ट भी है, मेमोरी टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको एक साथ 15-15 सीन करने होते हैं। बिल्कुल, हमारे जमाने में तो हम 4-5 सीन करते थे, ये भी सुना है मैंने। आजकल के जमाने में 15-18 सीन दिन में ना करें तो बजट पूरा नहीं होता, ड्रामे की प्राइस नहीं निकलती। हाँ। तो इसीलिए नहीं, 12 तक आ गए हैं वैसे, 12 आ गए, 12 आ गए, नहीं कहीं कहीं 18 भी हो गए थे, आपको 18-20 फिर उन लोगों के साथ काम नहीं किया जो 18 वाले करते हैं। वो एक जमाना था, एक थे साहब जी, तो वो 24-18 ये पूरी फील्ड में, और जो जो बेचारे एक्टर्स थे वो किसी को ड्रिप लगी हुई होती थी,
किसी को कुछ ने काफी खराब किया मामला है ना। ओके जी, पहली पिक्चर दिखाएं और पहली पिक्चर की मेमोरी को मतलब मेमोराइज करना है आपने। 10 सेकंड के लिए एक पिक्चर आएगी आपकी स्क्रीन पे। अभी रुक जा, रुक जाओ। हाँ, पहले समझा रहे तो बेचारे बच्चों को यार। हाँ, पहली पिक्चर जो देखेगी तुमसे शुरू करेंगे, तुम पूरा मेमोराइज कर लोगी। 10 सेकंड के लिए वो पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जल्दी से अपने दिमाग में बंद कर लूँगी। फिर मैं तुमसे पूछूंगी, आप बताओ क्या क्या देखा। सेकंड पिक्चर आप, थर्ड पिक्चर आप। रेडी? मैं हट जाऊँ, नजर आ रही या मैं यूँ होके बैठ जाऊँ? यूँ सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिक्चर दिखाइए 10 सेकंड के लिए। ये थ्री टू वन। ओके, क्या क्या नजर आया? एप्पल, ओके, कैक्टस, गाड़ी, हाँ, कुआं, क्या कुआं, सही है, और एक आई थिंक बेसबॉल थी, ओके, हाँ, और एक वो था बैंगन, ओके, और पौधा था बस, ये याद। कैक्टस बता चुकी हो तुम, पौधा, हाँ बस वही था पौधा, पौधा माने कैक्टस, हाँ। अच्छा, अभी भी रह गई हैं दो चीजें, हिंट दें, दो चीजें रह गई हैं, कोई हिंट, कोई हिंट। फाइव फोर, बेईमानी नहीं करती मैं, इंसाफ पसंद हो रहा तुम। फाइव फोर थ्री टू वन। ओके, जो दो चीजें तुमने मिस की है, एक तो कुप्पी होती है ना जिसे पेट्रोल डालते हैं, कुप्पी जिसे कहते हैं, वो कोने में, कुप्पी मिस हो गई तुमसे और एम्बुलेंस मिस हो गई। बाकी सब गाड़ी भी बता दी थी ना, हाँ, गाड़ी बता। ओके, चले जी, रेडी आप? अरे हाँ, रेडी, गेट से 10 सेकंड स्टार्ट। इतनी चीजें भरी ओके, हाँ जी, चले जी शुरू हो जाएं। बूट से क्या थे, जूते थे, बूट्स, हाँ ओके, डन। टेबल टेनिस, रैकेट था और बॉल थी, दोस्तों की तस्वीर थी, कुछ कर रहे थे, वही फ्लास्क था, कुप्पी थी, टेबल था एक, और वो एक इंस्ट्रूमेंट था, वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ वही, ठीक है, एक्स से नाम आता है वो जो टेलीफोन, हाँ सही, इंस्ट्रूमेंट वो से बता दिया मैंने इसलिए हिंदी। ओके, मजे की आवाज। और क्या क्या मिस किया इन्होंने भाई? गाड़ी भी थी, बता वो बतख, ठीक है, बतख थी, हाँ, वो टॉप राइट पे बतख थी, येलो कलर की, हाँ, क्या रह गया? फाइव फोर थ्री टू वन। दिखाइए, बहुत बेचारे के पास बहुत बहुत, आपने आपने नहीं बताया, चलें तस्वीर दिखाएं, आपने नहीं बताया, वो स्प्रे नहीं बताया आपने, एक तो एक स्प्रे आ रहा है, ठीक है, फिर आपने बाल्टी नहीं बताई, डायरेक्टर चेयर नहीं बताई, डायरेक्टर चेयर है कुप्पी के पीछे, हाँ कुर्सी बताई मैंने, नहीं आप इसको कुर्सी कह रहे थे, कुर्सी एक और है मरून कलर की, शादी वाली चेयर है, लेकिन डायरेक्टर चेयर भी है, और आपने बकरी नहीं बताई, बकरी नहीं बताई, चार चीजें नहीं बताई, तुम अभी तक आगे जल रही हो, तुमने दो चीजें नहीं बताई थी। ओके जी, तीसरी तस्वीर दिखाएं, 10 सेकंड स्टार्ट नाउ। नीचे क्या था, वो पैरट था या कोई मुर्गी वुर्गी थी, कुछ इस तरह कुछ था, और राइट लेफ्ट, अच्छा वो पैरट नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसके पॉइंट पे दे रही हूँ। लेफ्ट साइड पे कुछ बिल्ली बिल्ली थी, रुकून है, रुकून, ठीक है, रुकून, ओके, लेफ्ट साइड पे क्या बिल्ली बिल्ली थी, कुछ कुछ था, हाँ लेफ्ट पे ग्रे कलर की बिल्ली है, क्या है, कुछ वो बेचारी की आंखें कमजोर है, बिल्ली बिल्ली नहीं, गिरगिट है, ठीक है, मैं उसको भी मान रही हूँ, ओके, हाँ, और ठीक है, और क्या था, क्योंकि मेमोरी टेस्ट है ना, वोकैबुलरी टेस्ट नहीं है, हाँ अच्छा, और क्या था, इतनी सारी चीजें मैंने काउंट की, हाँ सोचो सोचो, क्योंकि मैं अभी गिनने वाली हूँ, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं मिक्स कर रही सारी पिक्चर्स को यार। फोर नहीं सॉरी थ्री टू वन, दिखाओ भाई क्या क्या नहीं था भाई, काफी चीजें थी, फूल थे, फुटबॉल थी, हथौड़ा, ब्रोकली, गाड़ी, बहुत सारे, सबसे सबसे पीछे अभी तक ये है। आगे जी, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर फॉर जो चिड़िया
ओके डन ज़ैनब शुरू हो जा बच्ची ओके वो जो पानी डालने वाला होता है आई डोंट नो व्हाट प्लांट्स के ऊपर डालते हैं प्लांट्स के ऊपर डालते हैं वो और एक कोई फल था कौन सा फल था कोई फल दो फल हैं एक बॉल थी दो फल हैं कौन सा फल है जल्दी से बताओ पर्पल कलर का एक फल था हां अंगूर अंगूर और अंगूर हां और एक वो हो गया बॉल हो गई हाँ बॉल हो गई और कौन सी थी गाड़ी ओके डन वेरी गुड और फाइव फोर रंग बिरंगी क्या था टू वन पिक्चर दिखाएं इसमें भी काफी कुछ था डोनट्स थे यार डोनट्स नहीं बताई वो थी बोट थी शिप थी वो नहीं बताई पेंट ब्रश नहीं बताया हैट नहीं बताई मैजिक वो वाला जो मैजिशियन मिलना चाहूंगा मैं मिलवाऊंगी आपको प्रोग्राम खत्म होने से पहले नहीं कर रहा हूं ओके जी दिखाइए आरएस की पिक्चर फॉर 10 सेकंड्स अरे आसान है वैसे वाटरमेलन ओके राउटर वाईफाई का ओह जबरदस्त मैं वही देख रही थी ये क्या है राउटर है हां बटरफ्लाई ओके पेंट वो पेंट ब्रश और मेकअप ब्रश दोनों थे ओके डन वेरी गुड कुर्सी भी थी क्या हां डन है और एक और वाटरमेलन की तरह का ही फ्रूट था ठीक है वही कटा हुआ है हां और एक खुला वाटरमेलन था डन हो गया दो हो गए आगे आगे क्या फाइव फोर थ्री टू वन दिखाई पिक्चर भाई स्ट्रॉबेरी नहीं बताई पाना नहीं बताया चम्मच नहीं बताया वायलिन नहीं बताया हाँ आसान थी जबकि ये पिक्चर दूर दूर थे जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना चीज फिर वो प्रॉब्लम होती चलो महवेश अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम खड़े होकर ये भी देख सकते हो करीब मुझे बहुत क्लियर आ रहा है नजर ओके रेडी गेट सेट एंड महवेश का टाइम शुरू होता है अब ओके डन मैं भी शुरू हो जाऊं ओके हेयर ब्रश था वो थी चिड़िया थी हां एंड और क्या था वो भी था वेरी बैड इन दिस यार आई एम वेरी वेरी बैड वो थी और वो तो था ही बेल्ट था एंड बेल्ट बेल्ट है वो बो की तरह लग रहा था वो था हां बेल्ट भी है वो भी है ओके गुड वेरी गुड ओके चार हां बता दिए क्या था ब्रश था ब्रश बोल चुकी हो वो था वो जिससे वो ग्राइंड क्यों बता रहे हो क्रशर बता दो चलो बता दो आओ हेल्प फाइव फोर थ्री टू वन दिखाओ भाई पिक्चर आई एम वेरी बैड विद ग्लास था जूती थी नल था वो क्या था वो कैन ओपनर होता है वो था छन्नी भी थी बड़ा डोमेस्टिकेटेड तस्वीर है रेडी ना बता रहे हो रोजमर्रा की चीजें रेडी हो यस ज़ैनब और तस्वीर रेडी गेट सेट एंड 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ झुमके हाथों लगो झुमके ओके ज़ैनब 10 सेकंड्स ओके फैसल कुरैशी ओके एक छोटा सा जग है हाँ ओके जग है एक पेंट वो जो रोलर होता है वो है ओके डन और वो हेयर ब्रश है ओके ब्लीच है हाँ एंड कार भी है आई गेस नहीं है एप्पल है हाँ एप्पल है और कार और एप्पल घूम रहा है ना ये घर में और फाइव फोर थ्री टू वन दिखाइए जी देखिए फ्राइंग पैन है भाई यार ये चीज कैमरा है ताला है लेकिन मैं आप तीनों के मुकाबले में जो मुझे अच्छी मेमोरी अभी तक लगी है या तो उसका नसीब अच्छा है इसकी मेमोरी आप तीनों में बेहतर है काबिले बेहतर नसीब अच्छा है सेकंड में आपकी है और स्क्रिप्ट याद हो जाता है ना स्क्रिप्ट बहुत अच्छा याद होता है आप किससे भी पूछ रहे हैं बहुत अच्छा याद होता है ओके अब किसकी बारी है तुम दोनों की रह गई बस ये लास्ट राउंड है ओके रेडी हैं आप रेडी आपका टाइम शुरू होता है अब
चलो भाई शुरू हो जाओ। कैमरा, डबरोटी, ऐनक, गाड़ी। अबे क्या बात है, जबरदस्त, चारों सही बताएं। आगे नहीं आ रहा ना? है? क्या कह रहा, आगे नहीं आ, आगे नहीं आ रहा, आगे बस वो एक ऐसे करके बैठा होता तो, वो भी तो था कोई, वो हाँ वो इकरा का नाम तो लो ना, इकरा का हस्बैंड यासिर हुसैन, यासिर हुसैन, तो पांच तो बताओ ना, वो क्यों पांच हो गए, छुपा रहे हो, यासिर हुसैन। हाँ ओके, तस्वीर दिखाइए भाई, तस्वीर दिखाइए, वीडियो के सेट नहीं बताए आपने, मछली नहीं बताई, मैंने मछली नहीं बताई, मैंने ऑरेंज नहीं बताया, वो जो ये कौन सा ब्रश होता है, कपड़े धोने का ब्रश, वो नहीं बताया। ओके चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके जी नेक्स्ट, रेडी गेट सेट 10 seconds। ओके वो क्यूट से एक बटरफ्लाई बनी ओके डन डन, वॉल क्लॉक था हाँ जी, एंड और क्या था, वो क्यूट सी एमन भी थी, हाँ वो हो गया, वो बोल दिया, नहीं एमन कब बोला, एमन नहीं बोला, एमन थी, क्यूट सी बटरफ्लाई बोला, हाँ क्यूट सी बटरफ्लाई बोला, क्लॉक बोला, नहीं नहीं एमन बोला, ऐसे बोला कि मुझे तो आवाज भी नहीं, इतनी करीब बैठी हुई थी, अच्छा ओके एमन भी बोल दिया, और क्या था, वो भी थी ग्लास टाइप जो था, फाइव क्या था, नहीं वो नहीं थी, फोर ओके थ्री टू वन, चलो भाई दिखाओ जल्दी से, मुझे ब्रेक पे जाना है, देखें भाई आपने ढोल नहीं बताया, एबीसी बाल्टी थी क्या था, हाँ बाल्टी थी, बाल्टी तो बोला नहीं तुमने, ग्लास पे बाल्टी बोली थी, मुझे आवाज क्यों नहीं आई, मैं बहरी तो नहीं हो गई कहीं, हाँ किसको बोला, अभी बोला मैंने आपसे, ग्लास टाइप थी या बाल्टी, तो ग्लास एक पॉइंट बाल्टी, ग्लास टाइप और बाल्टी, बाल्टी में कभी पानी पिया, बाल्टी थी ये ग्लास था, आइए जी एक ब्रेक की तरफ, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ आज हैं ज़ैनब शबीर, आरिज अहमद और महवेश जी, और इनसे बड़ी मजे मजे की बातें भी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, वैसे कुछ लोग होते हैं ना जैसे वो अंदाजे लगा लेते हैं पहले, क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, फलाना होगा कि नहीं होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आप लोग अंदाजे लगाने में कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, मेरी सिक्स सेंस अच्छी है, अच्छी सिक्स सेंस, हाँ, अगर मुझे जैसे कभी फील हो रहा होता है कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा होने वाला है, हाँ। यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है, तो काफी अच्छी हूँ मैं इस चीज, अच्छा हाँ। आप बहुत बुरा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आप मेरे अंदाजे भी बहुत गलत निकलते हैं, बहुत गलत, गड़बड़ हो जाता है, चलिए देखते हैं कि इस सेगमेंट में जिसमें मैं इनसे परसेंटेज पूछूंगी कि किसकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए और लोग क्या कहते हैं, अच्छा जी कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी होती हैं, आप लोग क्या कहते हैं, कितने फीसद लोग, यहाँ मैं स्क्रीन पे अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, क्या 25% लोग, क्या 50% लोग, क्या 75% लोग, या 100% लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ाई में बेहतर होती हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी जल्दी तो है, लेकिन मुझे लगता है 51-75%, आप कहते हैं 51-75%, आप भी सेम करो, चलिए जी दिखाइए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या ये दुरुस्त, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए, बिल्कुल सही। अगला सवाल, कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां ज्यादा, 76-100% क्या, अब आखिरी वाला 76-100 ये क्या इतना इनमें एका हो गया, अभी तो शो पे बुलाया, किसी ड्रामे में भी इकट्ठे काम किया है क्या, हमने तो किया है, हाँ मैंने इतनी यूनिटी अभी से डेवलप हो गई भाई, ये तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये सबके साथ बना के रखेंगे जी, आप भी सेम सेम जवाब क्या है, अरे बाप रे ये क्या हो, तुम लोग तो सही जा रहे हो अभी तक, डाउट ही नहीं है ना, ओके जी नेक्स्ट सवाल, कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़के शादी का वादा करके मुकर जाते हैं, ये सही बताएगा शादी का वादा करके मुकर जाते हैं 26-50% आई थिंक 50-51% ए भैया मुकर गए इसका दिल टूटा
75%. तुम्हारा और तुम्हारा जवाब सेम है ना? मेरा 50 है. तुम्हारा 50 टू 75 है ना? 50 टू 75 और 50 टू 26. एक बेचारे लड़के ने बोला नहीं 90. लड़का है, इसका दिल उल्टा तोड़ा है, उसका दिल लड़की ने तोड़ा है. ओके जी, जवाब दिखाइए. ये तो अंदाजे लगाने, तुमने मुझे गलत कहा कि मैं अंदाजे लगाने में मास्टर नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. अभी तक तीसरा जवाब भी तुम्हारा दुरुस्त रहा है आरिस. ओके जी, नेक्स्ट सवाल. कितना फीसद, कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां पहले इजहार मोहब्बत करती हैं, मतलब लड़कियां पहले इजहार मोहब्बत करती हैं, कितने फीसद लोग ये सोचते? 0 to 25. 0 to 25. 26 to 50. अच्छा चलिए जी, दिखाइए क्या जवाब दुरुस्त है. ओए ओए ओए, हाँ क्योंकि बहुत कम होता है कि लड़कियां इजहार मोहब्बत करें. बड़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़की होगी वो. करना चाहिए, मुझे लगता है कि करना चाहिए. किसी को करना है मेरे से कर ले, मेरी हाँ है. पहले से हाँ है. करने से देखिए, मुझे मोहब्बत हो गई है, लड़की नहीं मिल रही, बस मोहब्बत हो चुकी है मुझे. वो बेचारा बहुत तरसा हुआ है. ओके, कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि मोहब्बत की शादी में लड़के शादी के बाद बेगम को बाहर घूमने में, मतलब लाइक उतना नहीं ले जाते बाहर घूमने फिरने में, जैसे मंगनी के बाद या जब वो एक दूसरे से को पसंद कर रहे होते हैं. शादी से पहले तो बहुत एक दूसरे से मिलना जुलना, घूमना फिरना, लेकिन शादी के बाद उसी में कंजूसी कर रहे होते हैं लड़के. ये कितने फीसद लोग ये सोचते हैं और ऐसा होता है? 50 to 75 ऐसा हो जाता है. 26 to 50. और आप 75%. तो इन दोनों का सेम जवाब है, उनका अलग है. जी बताइए. कौन है ये? ओके, कौन नहीं आए जो घुमाने ले जाते हैं? एक्चुअली कौन है? ये ज्यादा मर्दों से पूछा है फिर. स्पेशली इन लव मैरिजेस ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो कहती हूं 76 to 100%. जब मियां को बोलो मैं, तुम खुद चले जाओ, मैं थका हुआ हूं. और दोस्तों के फोन आएंगे जो मर्द नहीं आपस में सारे मिल जाते. वो तो यार हमारे घर हलीम की दावत है यार, बारबेक्यू हो रहा है. हाँ हाँ चलो भाई. तो थकन गायब ना उसको. हाँ, ये सबसे ज्यादा डसी भी मैं हूँ इसलिए मुझे पता है. ओके नेक्स्ट. हाँ जी, कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं आजकल की लड़कियां खासतौर पे वो लड़के की जॉब देखकर शादी करती हैं? देखनी चाहिए, कोई बुराई नहीं इसमें. 76 to 100%. लड़कियां जब उनकी मोहब्बत की पट्टी आंखों पे बन जाती तो वो जॉबलेस से भी शादी कर लेती हैं. बाद में फिर सर पकड़ लेती हैं वो और बात है, लेकिन और बेचारा कम पे. देखिए अक्सर ऐसे मैंने तो देखा है पुराने जमाने की शादियों में, 6,000 तनख्वाह पे शादी कर ली, उसके बाद लड़का कामयाब हो गया. ये भी होता है. वो पहले होता था निदा, मेरा पहले. अब तो कोई ऐसा नहीं होगा. नहीं नहीं, बोलेगा अच्छा 6,000 बंदा क्या करे फिर. हाँ पट्टी होती है आंखों की, वो खुलती है जब पता चलता है क्या किया. ओके, हाँ कितने फीसद लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां अपनी तारीफ ना सुने तो नाराज हो जाती है? ये क्या है? नहीं कुछ और है, मैं एक स्किप कर गई है. कितने फीसद लोग सोचते हैं कि जो लड़कियां कम तवज्जो दें लड़के उनसे बात करना चाहते हैं? ओके अच्छा मैं आपको समझाती हूँ. कितने फीसद लोग ये सोचते हैं जो लड़कियां जरा फेंक के रखती हैं, जरा लिफ्ट नहीं कराती, तो लड़के उन्हीं से बात करना चाहते हैं? 50 to 75. मुझे लगता है कि अगर लड़की नहीं बात करना चाहती तो ना करें, ना पड़े पीछे. आप नहीं समझे सवाल. कितने फीसद लोग ये सोचते हैं जो लड़कियां ना एटीट्यूड में रहती हैं? जो एटीट्यूड नहीं, डिग्निटी में. एटीट्यूड नहीं होता वो, डिग्निटी होती है कि हाँ मतलब लाइक हम किसी से कम नहीं. तो वो लड़के उनके पीछे ज्यादा. माइक तंग कर रहे हैं, एक मिनट बस. ओके रेडी. हाँ तो लड़के उनसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं. वो लड़कियां जो ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती, कहने का मकसद साफ खुल के मैं ये कह रही हूँ, तो लड़के उनसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं. चलो लड़के पहले. ये दोनों जेंडर्स में मुझे लगता है लड़के भी जो ज्यादा. यस यू आर राइट. 51 टू 75 ये इंसान की फितरत है. 75 to 100. 50 to 75. ओके जी जवाब दिखाइए. 26 to 50. शायद जमाना चेंज हो रहा है. नहीं, हम इसी जमाने. हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था. बिल्कुल पता नहीं भाई. ओके जी नेक्स्ट सवाल. कितने फीसद लोग सोचते हैं कि लड़के गुस्से के ज्यादा तेज होते हैं? 50 to 75. 26 to 50.
100% के लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा गुस्से के लिए आइए जी जवाब दिखाइए 75 आपका जवाब दुरुस्त हुआ. ये गेम जो है वो आप जीत गई हैं. पिछला वाला भी आप जीती थी. कैसे मैं जीता हूं? नहीं इसने तुम्हारी कॉपी की है ना. तुमने जो बोला उसने फिर उसके बाद आखिरी वाला ये जीत गई. कैसे कॉपी नहीं किया मैंने. नहीं कॉपी ने सेंस कि तुमसे पहले पूछते थे जो तुम कहते थे फिर वो ये कहते थे. हां ये अल्लाह पूछेगा ये रहेगी दिल में बात. नसीब से जीती है. नसीब से जीती जी. ये होता. अच्छा भाई क्योंकि टाइम आ गया अब इजाजत लेने का उससे पहले पहले मैं आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स पूछना चाहती हूँ. कितना टाइम है? मैं उतने में बांट दूंगी तीनों को. कितना टाइम है मेरे पास? नहीं बिल्कुल हो गया है तो 30 सेकंड चलेगा? इतने दे सकते हो आप लोग मुझे? चलिए जी फ्यूचर प्लान्स. काम करना है बहुत सारा और पहचान बनानी है इंशाल्लाह. दुआएं आपके साथ. जी बहुत ज्यादा नहीं सोचता मैं. हाँ. जहाँ जा रहा हूँ ठीक है बस. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. जिस तरह ले जाए जिस भाव. God has been kind, वो खुद प्लान कर लेगा मुझे. हाँ जी मैरिज वहाँ जाना है जहाँ लोग देख के कहें कि या कुछ किया है. हाँ अपने आपको मनवाना है. मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह ताला. जो आप लोग ज़िंदगी में चाहते हैं कि वहाँ तक आप पहुँच पाएँ बहुत ही अच्छी मैरिट की बुनियाद पर आप लोग पहुँचें. और इंशाल्लाह मेरे पास है सोलो गेस्ट है इंशाल्लाह. ये मेरी दुआ आपके लिए. तो जनाब ये था हमारा आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. दुआओं में याद रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरा जैसा हमेशा करते हैं हर वीकेंड पे. तो मंडे को मिलेंगे एक ज़बरदस्त से शो के साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज़.